जब जन्म होता है तो वह बोलना सीखता है और बोलना सीखने के बाद उसका सभी से संवाद अर्थात वार्तालाप प्रारंभ होता है। माँ से, पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से, फिर मित्रों से। इस प्रकार आयु के साथ साथ मनुष्य सभी से संवाद करना सीख जाता है, लेकिन मानव अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल से यह जान पाता है कि मानव स्वयं के स्रोत अर्थात ईश्वर से संवाद कैसे स्थापित करे। इस प्रकार संसार में जितने भी प्रकार के संवाद होते हैं उन सब में ईश्वर के साथ संवाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी है। निर्गुण, निराकार, सर्वशक्तिमान ईश्वर जब शरीर धारण कर इस धरती पर आते हैं तो उनके धरती पर आने का एक उद्देश्य मनुष्य के साथ संवाद स्थापित करना भी होता है। ईश्वर एवं इंसान के बीच होने वाला संवाद अत्यंत ही रोचक, कल्याणकारी, आनंद प्रदायक एवं मानवीय मूल्यों से परिपूर्ण होता है। इंसान एवं ईश्वर के बीच का ये संवाद युगों युगों तक समाज को दिशा दिखाने वाले प्रकाश स्तंभ के समान होता है। आज हम हर युग में ईश्वर और इंसान के बीच हुए संवाद की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं त्रेता युग से। त्रेता युग में निर्गुण, निराकार ईश्वर ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था। राम का जन्म रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ हुआ। राज्याभिषेक से पूर्व माँ केकई के वचनानुसार भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और भरत को राजगद्दी। पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता सहित वन में प्रस्थान किया। गंगा किनारे वन के सरदार निषादराज गुह ने कुछ समय भगवान के चरणों में सेवार्थ बिताने की कामना की, जिसे भगवान राम ने स्वीकार कर लिया। वन की तरफ गमन करने के लिए अब भगवान राम लक्ष्मण को गंगा नदी पार करनी थी। चलते चलते भगवान गंगा किनारे केवट के गांव पहुंचते हैं, जहां राम जी ने रात्रि विश्राम किया। सभी ग्रामवासियों ने उनके दर्शन भी किए। मल्लाह केवट भी रात भर भगवान के साथ रहा। सुबह जब भगवान सीता जी और लक्ष्मण के साथ गंगा किनारे पहुंचे तो देखा वहां बहुत सारी नावें थी, बढ़िया से बढ़िया, पर भगवान केवल केवट की पुरानी सी नाव तक पहुंचे। हे भाई, अपनी नाव लेकर आओ, हमें गंगा पार जाना है। भगवान, अब मैं क्या कहूँ, आपके जितने भक्त हैं सब ऐसे ही हैं, जो आपका कहना ना माने बस वही आपका भक्त। ये क्या कह रहे हो भाई, चलो केवट तो दिखाई दे रहा है, और कौन है ऐसा, प्रमाण दो। एक तो केवट जो आपके सामने ही बैठा है और आपकी सुन नहीं रहा है, एक सुमंत जिसे आप अभी रथ पर चढ़ाकर आए हो। केवट से कहा केवट नाव लेकर इधर आओ, सुमंत से कहा कि रथ लेकर अयोध्या जाओ। एक को बुलाते हैं वो आता नहीं है, एक को भेजते हो वो जाता नहीं है, पीछे पड़ा हुआ है, न ये कहना माने न वो कहना माने। हे लक्ष्मण, इसमें इनकी गलती नहीं है, जिनकी घर से निकलते हुए शुरुआत खराब हो जाती है उनके साथ ऐसा ही होता है। मैं समझा नहीं भगवान। भैया लक्ष्मण, वनवास किसका हुआ था? जी आपका। आप लोग भी संग में आ रहे थे? हाँ हाँ। आप लोगों से हमने मना किया था कि नहीं किया था? काहे का? वन में चलने का। जी हाँ भगवान, आपने मना किया तो था। तो तुम लोगों ने कहना माना नहीं माना? भाई लक्ष्मण, तुमने कहना क्यों नहीं माना? क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरे प्रति प्रेम है, तो निश्चित है केवट के मन में भी मेरे लिए प्रेम ही होगा। पर प्रभु, केवट का प्रेम आपके लिए दिखता तो नहीं? भाई, केवट के जीवन में प्रेम का दर्शन तो है, पर प्रदर्शन नहीं है। इसके प्रेम में केवल दर्शन है, जरा उसे प्रेम से पुकारो। ओ मल्ला, अपनी नाव इधर लेकर आओ, श्री राम स्वयं तुम्हें बुला रहे हैं, हमें जाना है, देर हो रही है। प्रणाम श्री राम, मैं आपको गंगा पार नहीं करवा सकता।
क्यों केवट? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको, आपकी पत्नी तथा आपके भाई को मेरी नाव में गंगा पार करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह निश्चित रूप से मेरे पूर्वजों के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों के कारण है। लेकिन इससे पूर्व मेरी एक प्रार्थना है, उसके पूरे होने पर ही मैं आपको अपनी नाव में कदम रखने दूंगा। हाँ केवट, निवेदन करो, बताओ क्या है तुम्हारी प्रार्थना? मेरी प्रार्थना यह है कि भगवान, आप मेरी नाव में कदम रखने से पहले मुझे अपने चरणों को जल से धोने दें और फिर उस चरणामृत को अपने ऊपर छिड़कने दें। भाई मेरी बात सुनो, भगवान राम को पहले नाव में बैठने दो, उसके बाद तुम एक बर्तन में गंगा जल लेकर राम के चरण धो लेना। किनारे पर खड़े हुए उनके चरण धोना उचित नहीं है। भगवान मैं अत्यंत निर्धन हूँ, मैं गंगा पार करवाने में दिए गए मेहनताने से अपनी गृहस्थी चलाता हूँ। यदि मेरी कमाई मुझसे छिन जाए तो मैं प्रसन्न कैसे रह सकता हूँ? इसलिए नाव में प्रवेश करने से पूर्व मुझे आपके चरणों को धोने की आज्ञा दीजिए। इस क्षेत्र का मुखिया होने के नाते मैं तुम्हारी गृहस्थी चलाने में सहायता करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम भगवान राम को शीघ्र गंगा पार कराने के स्थान पर इस प्रकार की विचित्र शर्तें क्यों लगा रहे हो? चलो जल्दी से नाव तैयार करो। मुझे गलत मत समझिए, मेरी शर्त का कारण यह है कि मैंने सुना है राम के चरणों में विशेष शक्ति है। एक बार जब राम के चरण शिला पर पड़े तो वह स्त्री में परिवर्तित हो गई थी। मुझे ये डर है कि उनके चरण पड़ने से मेरी नाव भी कहीं स्त्री में परिवर्तित हो गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। परंतु यदि नाव में प्रवेश से पूर्व मैं श्री राम के चरण धो देता हूं तो उस भय से मुक्त हो जाऊंगा। साथ ही यदि वह चिरनामत अपने सिर पर छिड़क लेता हूं तो मेरे पाप भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। पर केवट मुझे एक बात बताओ, आज से पहले कई लोगों ने बिना पूछे पैर धो लिए, हमने किसी को मना नहीं किया, तुम भी बिना पूछे धो लेते, हम मना थोड़े ही करते। हे भगवान, बिन पूछे जिन्होंने आपके पैर धोए उनकी गरज रही होगी, उन्हें भवसागर से पार जाना होगा, पर यहाँ आपको पार जाना है। अगर पार जाना है तो चरण धोने को कहिए, नहीं तो खड़े रहिए यहीं पर। प्रिय बंधु आओ मेरे चरण धोवो। केवट धुल गए चरण? जी प्रभु धुल तो गए हैं। हे प्रभु ये क्या किया, पैर गीले थे, पोंछ तो लेने देते, फिर से मिट्टी में हो गए। और ऐसे आप मेरी नाव पर चढ़े तो नाव के स्त्री बनने का डर बना रहेगा। केवट ऐसे झूमो नहीं, हम एक पैर पे खड़े हैं, ऐसे तो हम गिर जाएंगे। ऐसे तो धुल गए पैर, आखिर भैया कितनी देर तक ऐसे खड़े रहेंगे? हे भगवान मैं आपके पैरों की रेखाओं से एक एक धूल के कण निकाल रहा हूं, अगर आपको सहारा लेना है तो ऐसा कीजिए, दोनों हाथों से मेरा सिर पकड़ लीजिए, फिर आप नहीं गिरेंगे। भगवान आप रो रहे हैं, मैंने तो इतने जोर से आपके पैरों को नहीं रगड़ा। नहीं केवट, मैं सोचता था कि मैं भक्त को गिरने से संभालता हूँ, आज तुमने मुझे संभाल लिया है इसलिए हमारे आंसू आ गए। का ध्यान धरो,
चाहो नाविक, यह लो, यह तुम्हारी मजदूरी है, ले लो। प्रभु, आज के दिन मैंने जीवन का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है और मेरे सारे पाप धुल गए हैं और मैं जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गया हूँ। आपके आशीर्वाद से प्रभु, आज मेरे पूर्वज तथा मेरी संतान सभी पाप मुक्त हो गए हैं। नहीं नाविक, यह तुम्हारी मजदूरी है, इसे रख लो। यदि मैं दया का पात्र हूँ और उसे मैंने अगर प्राप्त किया तो मेरे लिए यही पर्याप्त है। जब आप वापस लौटें तो उसी मार्ग से आना तथा मुझे नदी पार करवाकर सेवा का सुअवसर देना। यही प्रतिफल है जिसे मैं अपने जीवन का बहुमूल्य धन मानता हूँ। केवट, राम तुम्हें यह प्रेम पूर्वक दे रहे हैं, तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। हाँ केवट, तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। प्रभु, मेरी तो यही विनती है, जब मैं आपके दरवाजे आऊं तो मुझे भव सागर से पार करवा देना। प्रभु, मैं परम आनंद में डूब चुका हूं। मुझे जो यह सुअवसर प्राप्त हुआ है उसके बदले मजदूरी लेकर बंधन में मत डालिए। मेरी विनती है, मुझे इस भाग्यशाली अवसर के लिए जो मुझे अनायास मिला है शुल्क लेने को विवश न कीजिए। अच्छा ठीक है,